खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 का फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में सलमान कटरीना ने रूस, तुर्की और ऑस्ट्रिया में अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा किया है। अब कुछ ज़बरदस्त एक्शन सीन्स की शूटिंग करना बाकी है, जिसे लेकर ये दोनों मुंबई लौट आए हैं। रिपोर्ट्स की माने फिल्म का अगला शेड्यूल बॉम्बे में पूरा किया जाएगा। सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने नवंबर तक पूरी कर लेंगे। और इन सबके बाद सलमान खान ने एक और बड़ी गुड न्यूज़ देने का पूरा इंतज़ाम कर लिया है। जी हाँ, सलमान खान की ओर से एक बड़ी गुड न्यूज़ फैंस तक पहुंचने जा रही है, जिसकी जानकारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको देंगे। एज पर द सोर्सेस, सलमान खान टाइगर 3 की शूटिंग नवंबर में ख़त्म करेंगे। इसके बाद 15 दिनों तक चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर की शूटिंग करेंगे। एज पर द सोर्सेस, नए साल की शुरुआत में कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग सलमान खान करने वाले हैं, जिसमें उनकी जोड़ी 24 साल छोटी पूजा हेगड़े के साथ बनी है। यानी सलमान खान की तरफ से साल 2022 की बड़ी गुड न्यूज़ है कभी ईद कभी दिवाली, जिसमें उनकी जोड़ी 24 साल छोटी पूजा हेगड़े के साथ बनी है। इस फिल्म के लिए कास्टिंग जारी है। फिल्म में साउथ के कुछ चेहरे नज़र आएंगे। इसके अलावा सलमान राजकुमार गुप्ता के साथ ब्लैक टाइगर अनीस बज्मी की कॉमेडी फिल्म की शूटिंग भी करने वाले हैं। फिलहाल पूजा हेगड़े और सलमान खान की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। देखना होगा जब ये जोड़ी फिल्मी पर्दे पर नज़र आती हैं, दर्शक इसे कितना ज़्यादा प्यार देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।